गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम इन 10th क्लास फिजिक्स एंड द टॉपिक एनसीईआरटी क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। ओके, यहाँ पर हम अभी मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे एंड सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ओके, सो क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये केस मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे इमेज बड़ी बनती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर होगी? चार ऑप्शन है आपके पास में, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, एक तो एफ और ये यहाँ पे क्या है सी है, तो ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर रखा हुआ होगा, दूसरा एट द सेंटर क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ होगा, या बियॉन्ड द सेंटर क्या इधर रखा होगा, या बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, या ये जो पोल है इसके बीच में रखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ये एक स्पेशल केस है जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और लार्जर मतलब जो भी ऑब्जेक्ट की साइज है उससे बड़ी इमेज बनाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लेंस का अभी हमको नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन ये देखिए आप, ये भी कॉन्वेक्स लेंस वाला ही है। हाँ, ये देखिए, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। चलिए ये भी लेंस वाला कॉन्सेप्ट अभी आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन क्या है, नो मैटर How far you stand for a mirror, your image appears erect. This image is likely to be what? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? No matter how far you stand for a mirror, your image appears erect. ठीक है, क्वेश्चन ये कि मिरर किस तरीके से रखा हुआ है ये कोई मैटर नहीं करता है, या आप उसके सामने किस तरीके से किस लोकेशन पे खड़े हैं ये कोई मैटर नहीं करता है, और इमेज उसकी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, तो मिरर उसमें कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इरेक्ट इमेज किस किस में बनती है, एक तो प्लेन मिरर में बनती है और एक कॉनवेक्स मिरर में बनती है, तो या तो प्लेन मिरर हो सकता है या कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। ओके, आंसर देख लीजिए, A convex mirror always give a virtual and erect image of a smaller size of object in front of it. Convex mirror जो है वो हमेशा virtual और erect image बनाता है, erect मतलब सीधी और virtual मतलब आभासी, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। Similarly, a plane mirror will always give a virtual and erect image of the same size as that of object placed in front of it. Therefore, the given mirror would be either plane or कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस केस में दोनों मिरर हो सकते हैं। ओके,